जब भी आप भिंडी की खेती करते हैं तो सीड सिलेक्शन करने में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, तब जब गर्मियों के दिनों पर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको भिंडी यानी ओकरा फार्मिंग, भिंडी की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं, जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो कितना उत्पादन है, सीड्स रेट के ऊपर बात करेंगे और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से टॉप 5 उन्नतशील हाइब्रिड किस्मों के बारे में बतलाएंगे, जिन पर रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और काफ़ी दिनों से किसान मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि भिंडी की टॉप 5 किस्मों के बारे में बतलाइए जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हों। तो वीडियो पर बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन पर क्या खासियत है। तो देखिए, समय अवधि के बारे में बात करेंगे, पैदावार के बारे में बात करेंगे, चमक के बारे में बात करेंगे, कितना उत्पादन एक एकड़ पर आपको देखने के लिए मिलता है, फटाव किस प्रकार होता है और एक एकड़ में कितनी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, इनकी बढ़वार कैसी होती, कैसी सिंचाई करनी पड़ेगी, भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो हम वीडियो पर वैरायटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे कि कौन सी वैरायटी की क्या खासियत है और क्या वीकनेस है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका F1 के नाम से आती है। समय के ऊपर बात करें तो सर्दी, गर्मी, बरसात और जायद पर सभी मौसम पर दोस्तों इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं और नंबर 1 पर भी राधिका वैरायटी है। प्रति एकड़ सीड्स यदि आप राधिका वैरायटी को लगा रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और सीड्स रेट की ऊपर बात करें तो 6,500 रुपये से लेके 7,500 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। सीड्स टाइप की ऊपर बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी है, फलों का रंग गहरा हरा होता है और फर्स्ट हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो तोड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। फुटाप की ऊपर बात करें, ब्रांचेस के ऊपर बात करें तो एक पौधे से 3 से 4 शाखाओं यानी 3-4 फुटाप देखने के लिए मिलते हैं। बीमारी के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह जो रेजिस्टेंस वैरायटी है YVMV यानी एलोमोजिक वायरस और साथ ही लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी हद तक मध्यम रेजिस्टेंस वैरायटी है। और यदि पैकिंग के ऊपर बात करें तो 100 ग्राम पैकिंग में, 1 किलो पैकिंग में, 500 ग्राम, 250 ग्राम पैकिंग में उपलब्ध हो जाती है। पैकिंग के ऊपर बात करें तो आपको 100 ग्राम की पैकिंग, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम पैकिंग में पैकेट की आपको पैकिंग देखने के लिए मिलती है। उत्पादन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक किसान भाई जानना चाहता है कि इस वैरायटी का उत्पादन कितना है। तो कम से कम 70 से 75 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। प्लांट की ऊँचाई 5 से 7 फीट तक हो सकती है। लाइफ साइकिल 5 से 6 महीने के आसपास टोटल यह फसल चलती है कम से कम। सिंचाई के ऊपर बात करें तो गर्मियों में 5-5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस कितनी दूरी पर राधिका वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है और लान से लान की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। सभी प्रकार की भूमि पर आप लगा सकते हैं और फल की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई देखने के लिए मिलती है। सभी राज्यों पर लगा सकते हैं और फलों की चमक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी वाला फल आता है और 4-4 दिनों के अंतराल पर दोस्तों आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर राधिका वैरायटी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। भिंडी की जो किस्में हम बतलाएंगे, सभी भूमि पर, सभी राज्यों पर आप लगा तो सकते हैं, चाहे हल्की भूमि हो, भारी भूमि हो, सभी भूमि पर आप लगा सकते हैं। लेकिन इसकी लाइफ साइकिल हमारे हाथों पर है कि किस प्रकार हम अपनी भिंडी को चलाते हैं, किस प्रकार फर्टिगेशन, किस प्रकार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, तो जो फसल है हमारे हिसाब से फसल चलने वाली है। अब कुछ किसान भाइयों के खेतों पर वही वैरायटी ज़्यादा बढ़वार ले जाती है, तो बढ़वार ज़्यादा हो रही तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आपको स्प्रे करना चाहिए, सिंचाई थोड़ा सा रुक रुक कर करना चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 15 लीटर पानी में 5 ml प्लानोफिक्स का स्प्रे आप कर सकते हैं, अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड, इससे बढ़वार काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, फल फूलों की संख्या अधिक देखने के लिए मिलती है। आइए बात करते हैं नंबर 2 BASF कंपनी की नून हेम्स की सेवांस के नाम से आती है। यह भी हाइब्रिड भिंडी है और इसके समय के ऊपर बात करें तो रवि सीजन, खरीफ सीजन और जायद पर दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। भूमि सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं, सभी राज्यों पर खेती कर सकते हैं। प्रथम हार्वेस्टिंग
जो सेवांस जो वैरायटी आती है इसकी प्रथम हार्वेस्टिंग 45 से 55 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फल की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर के आसपास देखने के लिए मिलती है और सीड्स की कीमत यानी सीड्स का जो रेट है लगभग 6200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। फलों का रंग गहरा रंग होता है और क्वालिटी की बात करें तो चमकदार क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। बीमारी काफ़ी हद तक मध्यम सक्षम है। एलोमोजिक वायरस और लीफ कर्ल वायरस और जो भी वायरस आते हैं उनके प्रति, ऐसा नहीं कि इसमें आते नहीं हैं, आते हैं लेकिन काफ़ी हद तक अन्य किस्मों की तुलना पर इन वेराइटी पर रोग बीमारी बहुत ही कम आते हैं। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 65 क्विंटल कम से कम उत्पादन देखने के लिए मिलेगा एक एकड़ में। डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लान से लान की दूरी 3 फीट रखें। प्रति एकड़ सीड्स 1.6 किलोग्राम एक एकड़ में सीड्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 6 महीने के आसपास लगभग यह वैरायटी चलने वाली है। तो हमारे किसान भाई VASF कंपनी की जो सेवांस के नाम से आती है नॉनहेम्स की, इसको भी आप चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही बेहतरीन किस्म है। बात करते हैं नंबर 3 वायु सीड्स की, 9000 संकर भिंडी जो कि हाइब्रिड किस्म है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और चर्चित भी है। तो आइए बात करते हैं, इसके फलों का रंग गहरा हरा होता है यानी डार्क ग्रीन होता है। फलों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 40 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। जलवायु और भूमि के ऊपर बात करें तो सभी मौसम पर और सभी भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, कामयाब है सभी भूमि पर। रोग बीमारी के ऊपर बात करें तो जो वायरस आते हैं उनके प्रति काफ़ी हद तक सहनशील वैरायटी है। और टाइमिंग के ऊपर बात करें तो खरीफ सीजन और गर्मियों पर इस किस्म को आप लगा सकते हैं। प्रति किलोग्राम सीड्स रेट के ऊपर बात करें तो 3000 रुपये से 3500 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है सीड्स का। दूरी पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लान से लान की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1.8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एक एकड़ में। पौधे की जो ऊंचाई है मध्यम होती है और एवं उत्पादन के ऊपर बात करें तो बायो सीड्स की जो 9000 संकर भिंडी आती है इसका उत्पादन कम से कम 75 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। बात कर लेते हैं नंबर 4 तेसीता एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की, धारा प्लस F1 के नाम से आती है। यह भी काफ़ी अच्छी किस्म है और इस किस्म को भी हमने लगा के देखा है। तो तेसीता एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की धारा प्लस के नाम से आती है। इसकी कीमत है 1 किलोग्राम 4000 रुपये से 4400 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। फलों का वजन 10 से 12 ग्राम, फलों की लंबाई 10 से 14 सेंटीमीटर और रंग की बात करें तो गहरा हरा रंग होता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो 45 से 55 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। समय के ऊपर बात करें, टाइमिंग खरीफ सीजन, रबी सीजन और ग्रीष्मकालीन पर आप इस किस्म को लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स की अगर बारे में बात करें तो 1.5 किलोग्राम से लेकर 1.6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लान से लान की दूरी दोस्तों आपको 3 फीट रखनी चाहिए। इस वैरायटी में जो फल हैं दोस्तों पास पास में लगते हैं। भूमि हल्की भूमि, काली भूमि, काली दोमट है तो अभी उपयुक्त है। सभी राज्यों पर इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। बीमारी रोग बीमारी अन्य वैरायटी की तुलना पर इस किस्म पर कम आता है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो कम से कम 70 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। भिंडी की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो किस प्रकार आपको भिंडी की खेती करना है, A to Z वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है। और उत्पादन हमारे हाथों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, प्रॉपर रोग बीमारी कीट मुक्त फसल रखते हैं तो फिर पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो याद रखिए जो फसल है किस हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से पैदावार देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं नंबर 5 सिजेंटा कंपनी की OH-102 ओकरा किस्म। काफ़ी पुरानी किस्म है लेकिन आज भी इस किस्म का क्रेज है और इस किस्म को भी आप गर्मियों के दिनों पर या फिर ठंडियों के दिनों पर, रबी सीजन पर, खरीफ सीजन पर भी लगाकर काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन इस किस्म पर रोग बीमारी अन्य किस्मों की तुलना पर कम जरूर आती है लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती। इस किस्म पर रोग बीमारी दोस्तों आती हैं, यह 100% सही। प्रॉपर यदि आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे, प्रॉपर कीटनाशक के स्प्रे करेंगे तो फिर इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। समय के ऊपर बात करें तो रबी, खरीफ और गर्मी तीनों सीजन पर आप लगा सकते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 45 दिन के आसपास शुरू हो जाती है। फलों की लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर। एवं बात करें दोस्तों रंग की तो
गहरे हरे रंग, मुलायम चमकदार फल होते हैं। और रोग के ऊपर बात करें तो रोग बीमारी थोड़ा सा कम जरूर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इस वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी देखने के लिए मिलती है। दूरी के ऊपर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लान से लान की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। एक एकड़ में पैदावार उत्पादन के ऊपर बात करें तो लगभग 60 से 65 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। कीमत के ऊपर दोस्तों बात करें तो लगभग 2500 से 3000 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। इन 5 किस्मों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया। इनकी कीमत समय के हिसाब से या फिर बहुत ही आप लेट इस वीडियो को देखेंगे तो कीमत अलग अलग सिटीज़ और राज्यों के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा हो सकती हैं, तो कीमतों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नंबर एक पर राधिका वैरायटी, 5 की 5 किस्में काफ़ी अच्छी किस्में हैं और इन किस्मों को आप लगाकर चाहो गर्मियों के दिनों पर। अब गर्मियों के दिनों पर एक समस्या आती है कि जर्मिनेशन और अंकुरण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि पलेवा करके यदि आप दोस्तों बुवाई करते हैं तो बहुत अच्छा आपको अंकुरण जर्मिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए बीज उपचार भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के बाद यदि दोस्तों आप बुआई करते हैं तो बहुत ठीक तरीके से अंकुरण और जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि भिंडी हार्वेस्टिंग के बाद यानी 3-4 महीने के आसपास फसल होती है तो एक समस्या आती है कि पौधा एकदम बढ़वार ले जाता है, पत्तियाँ ग्रीननेस देखने के लिए नहीं मिलती है, पैदावार घट जाती है और प्रॉपर दोस्तों जो भिंडी है उनकी संख्या देखने के लिए नहीं मिलती, फल फूल एकदम कम आते हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जब भी यह समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आपको 1 एकड़ की दर से आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद लेना है दोस्तों। आपको 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दोस्तों आपको 5 किलोग्राम लेना है और बायोजाइम 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके जड़ों से पौधे से लगभग 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया भिंडी की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी कंपनी या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्चुअली पर उत्पादन है, कैसी किस्में हैं, क्या इनकी खासियत है और क्या इनकी वीकनेस है, क्योंकि वीकनेस ये है कि इनमें ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी कहती है कि रोग बीमारी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन दोस्तों आपको बतला दें कि इन पर रोग बीमारी आ सकती हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर स्प्रे करने पड़ेंगे, सिंचाई हिसाब से करनी पड़ेगी। हल्की भूमि है तो थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी सिंचाई, और काली दोमट भूमि है तो थोड़ा सा आपको अंतर रख के गैप रख के सिंचाई कर सकते हैं। बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइन पर जिगजैग आपको पौध रोपण यानी बुवाई करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया भिंडी की उन्नतशील किस्मों के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।